मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे घराने की तरफ से सलाम। जैसा कि आप सब करंट सिचुएशन से बखूबी वाकिफ हैं, मैं कुछ भी आपके साथ नया नहीं शेयर कर रही, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदावन ने मेरे दिल में डाली और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अजीजों, हम जो सब इस मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, ये बनी हुई इंसान के लिए कुछ भी नया नहीं है। इस तरह की वबाएँ और मुश्किलें हम पर बहुत बार आ चुकी हैं और हर बार हमने इंसानी जानों की कुर्बानी दी है, या यूं कह लें कि बहुत सी जिंदगियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। आजकल हम मीडिया के जरिए बहुत कुछ सुन रहे हैं। कोई कहता है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से है, जैसा कि 3G टेस्ट या 5G टेस्ट से ये बीमारी पैदा हुई। कोई कहता है कि एक मुल्क की दूसरे मुल्क के लिए साजिश है, तो कोई कहता है कि इन्फेक्टेड जानवरों का गोश्त खाने से हुआ। और भी बहुत कुछ है कहने को, पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाइबल की स्टडी से हमें जो इल्म मिलता है, हम मसीहों को इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ इंसान की नाफरमानियों और गुनाहों के सबब से हुआ और हम खुदा की बरकतों से हाथ धो बैठे। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अजीजों, आइए हम सब मिलकर अपने खुदावन से उसका रहम मांगे, उससे माफ़ी मांगे और दुआ करें कि ऐ खुदावन, हमें, हमारे बच्चों को और हमारे अजीजों को इस मौत की सजा से छुटकारा दें। आमीन। मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि हमेशा सेफ रहे, खुश रहें और खुशियां बांटें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो करें। कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप एवरीवन सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।